शफी अहमद जी, रामिया जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। तुमकुर आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। यहाँ सालों से प्रगति हो रही है, शिक्षा का बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ पे श्री शिव कुमार स्वामी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, तकरीबन 10,000 लोगों को यहाँ पर मुफ्त में शिक्षा मिल रही है। और आज यहाँ हमने हाईवे का सिक्स लेनिंग किया है और इससे आप सबका बहुत फायदा होगा। अच्छा, शुरू करने से पहले, ये महिलाओं की मीटिंग थी और यहाँ महिलाएं कम हैं, पुरुष ज्यादा हैं। जो इस मीटिंग में हुआ वो ही कांग्रेस पार्टी के संगठन में होता है और वो ही टिकट के समय होता है। और मेरी कोशिश है कि इस बात को हम बदलें, कि महिलाओं को भी हम आगे बढ़ाएं, मीटिंग्स में लाएं, चुनाव में लड़ाएं, संगठन में आगे लाएं। और अगर आज हम महिलाओं की बात कर रहे हैं तो हमें बालावादी मलम्मा जी और किटू रानी चेन्नम्मा जी की भी याद करनी चाहिए। हिंदुस्तान के सब प्रदेशों में मैं घूमता हूं और जो प्रदेश तेजी से आगे जा रहे हैं और बाकी प्रदेशों में, एक बड़ा फर्क है। सबसे बड़ा फर्क यह है कि जो प्रदेश आगे तेजी से बढ़ रहे हैं उनमें महिलाओं को राजनीति में आगे बढ़ाया जा रहा है, महिलाओं को शक्ति दी जा रही है। हिंदुस्तान में जहां भी महिलाओं को शक्ति दी जा रही है वहां तेजी से प्रगति आ रही है, और जहां महिलाओं को दबाया जा रहा है वहां प्रगति दिखाई नहीं दे रही है। हम सुपर पावर की बात करते हैं, कहते हैं हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाना है। जब तक हम अपनी महिलाओं को जगह नहीं देंगे, जब तक उन्हें शक्ति नहीं देंगे, तो ये देश सुपर पावर कभी नहीं बन सकता है। ये देश सिर्फ आधा सुपर पावर बन सकता है। सही बात है ना? जब मैं 12 साल का था, छोटा था, तो मुझे मामा ने, पापा ने बोर्डिंग स्कूल भेजा और बोर्डिंग स्कूल में मैं छोटा था, 12 साल का था, और एक लड़का 16-17 साल का था, मुझसे थोड़ा तगड़ा था, मुझे वो बहुत तंग करता था, रगड़ता था, मारता था। और जहां भी मैं जाता था, स्कूल में बोर्डिंग स्कूल था, जहां भी मैं जाता था घबराहट होती थी कि वो लड़का ना आ जाए। और एक दो साल बाद मैं बड़ा हो गया, मैं तगड़ा हो गया और लड़का भाग गया। और बात उल्टी हो गई, जब वो मुझे देखता था वो भाग जाता था। और जिस दिन वो हुआ मुझे एक प्रकार से अंदर बहुत खुशी हुई, आजादी मिली कि भाई अब मुझे ये तंग नहीं करेंगे। और जब मैंने महिलाओं के साथ काम करना शुरू किया, मेरी कंस्टिट्यूएंसी में, अमेठी में, राजनीति में, तो मुझे एक बात समझ आई कि जिस प्रकार से मुझे स्कूल में तंग किया उसी प्रकार से महिलाओं को कहीं ना कहीं दबाया जाता है। चाहे आप काम की बात करें, घर की बात करें, जहां भी आप जाती हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भाई हमें दबाया जा रहा है। जिस भी महिला से मैं बात करता हूं, अगर थोड़ी गहराई में बात जाती है तो वो मुझे कहती है कि हमें कहीं ना कहीं दबाया जाता है। काम में दबाया जाता है, बस पे, सड़क पे, कहीं ना कहीं हमें यह लगता है कि इस देश में हमें समाज दबाता है। और वो जो मुझे स्कूल में खुशी मिली थी, आजादी मिली थी, वो मैं आपको, आपके साथ देना चाहता हूं कि एक ऐसा दिन आए
जब आप सड़क पे चलो और आपको डर ना लगे, शाम के समय आप सड़क पे चलो आपको डर ना लगे, बस पे चढ़ो तो आपको कोई तंग ना करे, राजनीति में आप टिकट मांगो तो आपको टिकट मिल जाए, लोकसभा में आपके चेहरे दिखाई दें, विधानसभा में आपके चेहरे दिखाई दें, पंचायत में आपके चेहरे दिखाई दें और आपकी शक्ति सचमुच में हिंदुस्तान में दिखाई दे। और कर्नाटका ने हिंदुस्तान को रास्ता दिखाया है, जो आपकी यहां एसएजी के मूवमेंट है, समूह के मूवमेंट, उससे पूरे देश को फायदा हुआ है। उत्तर प्रदेश में मैं समूह का एक संगठन चलाता हूं और आपने हमें रास्ता दिखाया है। 20 लाख महिलाओं को कर्नाटका में बैंक से जोड़ा गया है और उनकी जिंदगी को बदला गया है। और दिल्ली की सरकार ने भी काम किया है, पार्लियामेंट में रिजर्वेशन का बिल लाए हैं और हमारी कोशिश है कि हम आने वाले समय में इसको पास करें और हम आपको महिलाओं को पार्लियामेंट में लाएं। और पंचायती राज में हमने रिजर्वेशन 50% करके दे दिया है। और जो भी हमारे प्रोग्राम है, चाहे वो मनरेगा हो, राइट टू इंफॉर्मेशन हो, भोजन का अधिकार हो, सबके सब महिलाओं की मदद करने के लिए बनाए गए। बलात्कार के खिलाफ हमने एक बहुत मजबूत कानून पास करवाया है। और जब आपने हमें कहा कि हमें आपको 9 नहीं 12 सिलेंडर चाहिए, तो हमने वो भी बात मान ली। हम आपके लिए, महिलाओं के लिए दरवाजे खोलना चाहते हैं, स्कूल के दरवाजे, कॉलेज के दरवाजे, पार्लियामेंट के दरवाजे, विधानसभा के दरवाजे, क्योंकि हम इस बात को मानते हैं कि आपके बिना ये देश आगे नहीं जा सकता है। हम आपकी सुरक्षा चाहते हैं और आपको सम्मान देना चाहते हैं और आपकी शक्ति का हम देश को बनाने में प्रयोग करना चाहते हैं। विपक्ष महिलाओं की इज्जत नहीं करता है, उनके जो संगठन है, उनका जो आइडियोलॉजिकल संगठन है, उसमें महिलाओं के लिए जगह नहीं है। और उनके नेता क्या कहते हैं और क्या करते हैं आपको मालूम है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। हम चाहते हैं कि आप राजनीति में आगे आओ, विधानसभा लोकसभा में आओ और एक साथ हम इस देश को बदलें। और कांग्रेस पार्टी में हम ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे और लीडरशिप पोजीशन में डालेंगे। आपकी शक्ति का भी प्रयोग करना है, आपके ज्ञान का प्रयोग करना है। आप सब दूर दूर से आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।